हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और अंजू की किचन में आपका स्वागत है। आज हम जीरा राइस बनाएंगे और जीरा राइस घर पे हम कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे हमने एक बाउल में चावल लिए हैं, आप कोई भी बासमती चावल यूज़ कर सकते हो। 3 बड़े चम्मच हमने घी लिया है और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती काट के ले ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और यहाँ पे हमने थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं। ये रहा तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, ये रहा जावित्री और ये छोटी इलायची। ये जो साबुत मसाले हैं ये जीरा राइस में हम यूज़ करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम जीरा राइस के लिए चावल को धो लेंगे। एक बाउल ले लेते बड़ा सा और उस बाउल में हम ये चावल डाल देंगे और उसे अच्छे से 2 बार हम पानी डाल के धो लेंगे। फिर उसे हमें एक 10 मिनट के लिए चावल को पानी में सोख करके रखना है। इस तरह से हम पानी डाल देंगे और उसे हाथ से चलाते हुए अच्छे से उसका पानी निकाल देंगे और इसी पानी में हमें उसे एक 10 मिनट के लिए चावल को भिगो के रखना है। तब तक हम जीरा राइस के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक इस तरह की नॉनस्टिक की हंडी ली है। अब हम उसमें घी डाल देते हैं और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें जीरा डाल देंगे। यहाँ पे हमारा घी भी गर्म हो चुका है, अब हम उसमें जीरा डाल देते हैं। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, ये साबुत जीरा है। अब हम उसमें हमने जो सूखे मसाले लिए थे साबुत मसाले वो भी हम घी में डाल देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और उसमें चावल डाल दिए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पे नमक 1/2 छोटा चम्मच यूज़ किया है, आप आपके स्वाद अनुसार नमक ले सकते हो। यहाँ पे हमने 1 बाउल चावल लिया था तो हम उसमें अब 1.5 बाउल पानी डाल देंगे। आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये पूरी तरह से चावल पे डिपेंड करता है। और एक बार बासमती चावल को अगर आप 10 मिनट के लिए भिगो देते हो तो चावल के लिए जो पानी लगता है वो बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पे हमने 1.5 बाउल पानी डाल दिया है, अब हम इसे ढक के पकने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से चावल में उबाल आ जाएगी। हमने उसका ढक्कन खोल के देखा तो अब तक हमारे जो चावल है पूरी तरह से पके नहीं हैं। तो अब हम इसे फिर से लीड लगा के 7 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे पकने देते हैं। यहाँ पे हमने 7 मिनट के बाद ढक्कन खोल दिया है और जो हमारे चावल है अब पूरी तरह से पक चुके हैं। आप देख सकते हो हथेली पे चावल लेके, एक चावल के अगर 2 टुकड़े होते तो समझ लीजिएगा जो हमारे चावल है पूरी तरह से अब पक चुके हैं। अब हम इसे ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे, धनिया पत्ती उसमें डाल दी है। इसके बाद हमने लीड लगा के इसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम उसे 1 बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा जीरा राइस पूरी तरह से रेडी हो चुका है और मैंने उसे 1 सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितने ईजी तरीके से हमने घर पर ही बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।